खोलिला हीराकुद्रा पांचटी गेट हीराकुद्र जलस्तर बढ़ुथिबारु पांचटी गेट को खोला जाइछि। पूर्वरु सातटी गेट दे जल निष्कासित होतिला एबे पांचटी गेट रे छडा जाउछि बन्या जल। मोट बारटी गेट दे प्रवेश करुछि बन्या जल। हीराकुद्रे बन्या जल छडा जिबा परे 36 घंटा परे बन्या जल कटक मुंडली रे पहुंचिबो। तबे मुंडली रे जलस्तर धीरे धीरे कमुथिया कथा कह जाउछि। बारटी गेट रे वर्तमान बन्या जल छडा जाउछि एवं अपराह्न 4टा सुधा मुंडली दे 6,2,755 क्यूसेक जल निष्कासित होतिला जहां विपद संकेत ठारु 8 फुट तले रही किंतु कह 36 घंटा पर जेहेतु मुंडली में पहुंची हीराकुद्र पानी सेतबेळकु जलस्तर किसी वृद्धि होउछि कि नाही ता उपर नजर रही। 6,2,755 क्यूसेक जल बर्तमान निष्कासित होउछि। विपद संकेत ठारु 8 फुट तले रही बन्या जल मुंडली थारे। अधिक आलोचना करिबा सीधा सळख जिबा मुंडली को सेठा अछन्ति सहयोगी दिवेन्दु मिश्र। दिवेन्दु टी जानिबा को चाहिबो मुंडली रे जलस्तर केते अछि एवं विपद संकेत ठु केते कम अछि वर्तमान सुधा। देखन्तु बंधुत आम जदि कहिबा क्रमागत भाव में गतकाली रातिरु मुंडली जलस्तर कमिबाकु लागिछि एवं वर्तमान जहां रही अपडेट रही अपराह्न 5टा सुधा मुंडली जलस्तर वर्तमान रही 5,87,560 क्यूसेक वर्तमान बन्या जल एटि महानदी को निष्कासन करा जाउछि बा निष्कासित होउछि। सेम जदि देखिबा मुंडली ऊपर मुंडर जो जलस्तर रही 99 फुट रही बेले तल मुंडर जो जलस्तर से वर्तमान 86.80 फुट रही जहां विपद संकेत थारु जथेष्ट तले रही बोली आमे कही परिबा। तेणु ये मुंडली जहां जलस्तर धीरे धीरे देखिबा गतकाली सकाळ रु जेतेबेले 6 लाख क्यूसेक रु बढ़ी बढ़ी कि अपराह्न संध्या समय 9,18,000 क्यूसेक जेतेबेले सर्वोच्च जलस्तर रे पहुंच जाइतिला एवं तापर राति 12टा पर थारु कमिबा आरंभ होइतिला मुंडली जलस्तर एवं सेही अनुसार जे देखिबा नराज एवं जोबरा सेठी जो जलस्तर जाऊता से मध्य कमिबा आरंभ होइतिला। तेणु आम कहीपरिया आम देखा जदि घंटा प्रति हाराहारी 15,000 क्यूसेक बन्या जल मुंडली कमुची तेणु ये गोटे अति आश्वस्तिकर खबर। जो तल अंचल गुड़िक रही सेठी जो पा जाता ताहा धीरे धीरे कमिबा आरंभ होलानी कहीं जो समय आम देखा बढ़िया जो समय रही 8-10 घंटा ठीक सामान भाव में जिते तल अंचल को पाँच जाता अर्थात जगत सिंहपुर कहूँ केन्द्रापड़ा कहूँ और पूरीर किसी जो नदी को जाता जो महानदी शाखा नदी गुड़ी जाता सेठी मध्य समान भाव में 8-10 घंटा लगे पानी कमी एवं जहां सूचना गेट देखिए जल आसुची पहुंचा पर मुंडली रे स्थिति रे किछि परिवर्तन नजर को आसीबो ना स्थिति सेमती पूर्ववत रहिबो। देखंतु मो से कथा कहू जाऊली मुंडली वर्तमान जहां जलस्तर अच्छी वर्तमान जहां सूचना रही हीराकुद्र 12टी गेट देखिए बर्तमान जल निष्कासन करानदी को पूर्व 2टी गेट खोला रही है परवर्त समय 5टी गेट खोलगला परवर्त समय आउ 5टी गेट खोलगला अर्थात बर्तमान 12टी गेट देखिए महानदी में जो हीराकुद्र जल निष्कासन करेणु हीराकुद्र जो जल जो अच्छी बर्तमान जो प्रवेश कर जदि दिन 3टा सुधा देखा 4,92,911 क्यूसेक जल हीराकुद जलभंडार भितर को प्रवेश करुवा बेले जहां 3टा बेल 1,56,676 क्यूसेक जल महानदी में छड़ा जाऊला किंतु वर्तमान जेहेतु आउ 5टी गेट अधिक खोला जाए से 5टी गेट देखिए निश्चित भाव में अनुमान कर हीराकुद देखिए महानदी के पाखापाखि 2 लाख क्यूसेक जल प्रवाहित हो किंतु जेतेबेले हीराकुद जलभंडार जल छड़ा जाए बन्या जल छड़ा जाए मुंडली निकट में ताहा पहुंचापी पाखापाखि 36 घंटा समय लगता है अर्थात आम कहीपर हीराकुद जो प्रथम बन्या जल आसे खैरमाल पहुंचापी 12 घंटा समय लगता है खैरमाल बरमूल में पहुंचापी आउ 12 घंटा समय लगता है बरमूल रु मुंडली निकट में पहुंचापी आउ 12 घंटा समय लगता है अर्थात पूरा 36 घंटा समय लगता है। तेणु ये 36 घंटा भितर जिते मुंडली जलस्तर बर्तमान 5,97,000 क्यूसेक को बर्तमान खसी आसला से भरी स्तर जो 36 घंटा रही है ये 36 घंटा भितर मुंडली जलस्तर आहरी पाखापाखि 2 लाख क्यूसेक कमी जाए अर्थात 3 लाख पाखापाखि मुंडली जलस्तर रही है जितेबाला हीराकुद जलस्तर आउ 2 लाख पाखापाखि क्यूसेक अधिक हम तेणु 5 लाख क्यूसेक जल बर्तमान मुंडली जाए परवर्त समय प्रवाहित हम बाठ निष्कासित हम जहां बनापी कौन भयभीत हबार ना कि कौन विपद ना तेणु 5 लाख क्यूसेक बन्या जल से सामान्य रही है जेहतु तल अंचल पानी निष्कासित हो सारी और मुंडली जलस्तर कम रही तेणु जदि आम अनुमान करवा जदि हीराकुद जलभंडार आहरी अधिक गेट खोला जाए
ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଖୋଲାଯାଏ ବା ମହାନଦୀର ଯେଉଁ ଅବବାହିକା ଗୁଡିକ ଅଛି, କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେଠି ଯଦି ଆହୁରି ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ହଁ ତ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଯେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବ, ସେ ମଧ୍ୟମ କି ବଡ ବନ୍ୟା ହବ ତାହା ତ କହିହବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି ବଡ଼ ବିପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ବନ୍ୟା ବା ସେଭଳି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏ ଜଳ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଠି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ବା ଏଠି ପାର ହେଇଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଜଳ ଆସିବ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ବା 5.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ବା 6 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଭିତରେ ରହିବ, ଯାହା ସେଭଳି କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ, ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବେନ୍ଦୁ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସେମିତି କୌଣସି ବିପଦ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ 12 ଗେଟ୍ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ, ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ 36 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ସେ 36 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତିକି ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି କିଛି ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇସାରିଥିବ, ବାକି ଏ ଜଳ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେମିତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆକଳନ ଅଛି।